टॉपिक वो है हैप्पी हॉर्मोन्स जो है, खुशी के रसायन ब्रेन के। तो खुशी के रसायन कैसे बढ़ाए अपने दिमाग में, और खुशी के रसायन आप यदि बढ़ाते हैं नेचुरली, नेचुरल तरीके से, तो आपको घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी ये बीमारियां नहीं होंगी। तो उसका टॉपिक क्या है, और इसके लिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक को पकड़ के ही सवाल करना है, बाकी दूसरे विषय, दूसरा टॉपिक नहीं लाने का है, ठीक है ना। तो ये है दिव्यांश शर्मा, इनको कुछ पूछना है पूछ लो। दिव्यांश शर्मा, यस, आपको कुछ पूछना है दिव्यांश? ये टॉपिक छोड़ के बाकी कुछ भी पूछने का नहीं है, आप अनम्यूट करो और बोलो। हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ दो, आवाज नहीं आ रहा है आपका, बराबर कनेक्टिविटी नहीं है आप। ओके, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, एनीबडी? ओके गुड, तो हम शुरू करते हैं। किसी को सवाल होगा तो सवाल पूछिएगा, अभी किसी का हाथ ऊपर था और किसी का, तो दिलीप कुमार राम आपको पूछना है कुछ पूछ लो, मगर ये टॉपिक को रिलेटेड जो है वही सवाल करना है। नहीं, दिलीप कुमार राम आपको कुछ पूछना है? नो सर। मैं क्या करता हूँ कि आपको इसको भी, ये टॉपिक को छोड़ के कुछ पूछना है तो मैं नंबर हमारे यहाँ के डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर, तो उसके ऊपर कॉल करके आपको जो भी डिफिकल्टी होंगी तो वो आप उसके ऊपर कॉल करके पूछिएगा, है ना। बाकी किसको कुछ दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ ना मिली, या दवाइयाँ का प्रॉब्लम है, या और प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हिप्नोटिज्म के बारे में पूछना है, या एडमिशन के बारे में पूछना है हॉस्पिटल में, तो सबके लिए फिर आपको मैं नंबर देता हूँ, उसके ऊपर आप कॉल करके आपके सवाल पूछिएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे पहचानते नहीं, उनको सबको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर, और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ खुशी के रसायन के बारे में। खुशी के रसायन क्या है उसके बारे में बात करूँ, ठीक है, गुड। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स हैं, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, या हैप्पी केमिकल्स, या हैप्पी न्यूरोकेमिकल्स, या उसको बोलते हैं फील गुड हॉर्मोन्स। क्या है कि जब भी कभी ये फील गुड हॉर्मोन्स जो है, तो ये फील गुड हार्मोन या हैप्पीनेस के हार्मोन यदि दिमाग में कम हो जाते हैं, कम होते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हमें घबराहट होती है, बेचैनी, एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, है ना, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आना, या नींद ज्यादा आना, पैनिक अटैक आना, ऐसे काफी सारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तनाव के प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा तनाव आता है और फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो ये हॉर्मोन्स यदि हम हमारे दिमाग के बढ़ाते हैं, या बढ़ाने का तरीका जानते हैं, तो ये कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोलियां लेने की, जब दवाई की या गोलियों लेने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ये जो हॉर्मोन्स है, ये मेनली चार हॉर्मोन्स है, एक है डोपामिन, एक है सेरोटोनिन, एक है ऑक्सीटोसिन, और एक है एंडोर्फिन्स। ये चार हार्मोन्स है, ये फील गुड हार्मोन्स या हैप्पीनेस के हार्मोन्स है, खुशी के रसायन, और ये यदि अच्छी मात्रा में रहेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और हम खुश रहते हैं। अब इसकी फैक्ट्री जो है ना, ये फैक्ट्री ब्रेन में है, ये चार हार्मोन्स की फैक्ट्री ब्रेन में है। तो
जो ब्रेन में, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन में सेल्स होते हैं है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो डोपामिन के न्यूरॉन्स होते हैं, सेरोटोनिन के न्यूरॉन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन के होते हैं, एंडोर्फिन के होते हैं, ऐसे अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन की फैक्ट्री है ब्रेन। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना, ये फील गुड हार्मोन का प्रोडक्शन करना। और किसी भी कारण से यदि ये फैक्ट्री, ये जो न्यूरॉन्स है, ये यदि डोपामिन का सेरोटोनिन का उत्पादन कम करते हैं, कम हो जाता है किसी भी कारण, इसका इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, डिप्रेशन आएगा, घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे अलग अलग सिम्टम, अलग अलग लक्षण हमको दिखेंगे, दिन में आना ऐसे दिखेंगे। तो फिर हमारा काम यह है कि भाई ये फैक्ट्री बढ़िया काम करनी चाहिए, ये जो फैक्ट्री है डोपामिन सेरोटोनिन की, ये फैक्ट्री ने बढ़िया काम करना चाहिए। मगर इसका फंक्शनिंग जो है, ये फैक्ट्री का फंक्शनिंग, ये जो फैक्ट्री है इसका फंक्शनिंग, इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? देखो डोपामिन का और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन यदि कम हो गया दिमाग में तो आपको डिप्रेशन है। अब ये जो फैक्ट्री दिमाग में है, ये फैक्ट्री काम नहीं कर रही, तो फैक्ट्री काम नहीं कर रही है तो फिर ये फैक्ट्री काम क्यों नहीं कर रही भाई, वो देखना पड़ेगा। तो फैक्ट्री काम क्यों नहीं करती है डोपामिन सेरोटोनिन की, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है जो इसको पैदा करते हैं, उसको होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब उसको आएंगी सूजन या वो सिकुड़ जाएंगे, सूजन आएंगी, बड़े हो जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे, मतलब कोई भी कारण से ये न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट्री काम नहीं कर रही है, तो आपका जो दिमाग है उसके जो फील गुड हार्मोन्स है, ये फील गुड हार्मोन्स कम मात्रा में पैदा हो। तो फिर ये कम क्यों करते भाई, उसको सूजन क्यों आती है, ये जो न्यूरॉन्स है ये सिकुड़ क्यों जाएंगे या सूजन क्यों आएंगी, या उसका उत्पादन क्षमता उसकी कम क्यों है? तो वो तब कम होती है जब दिमाग हमारा, मतलब ब्रेन्स जो है वो जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दिमाग जाता है, इसलिए बोलते ना कि एंटी ऑक्सीडेंट लो, ऐसा बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट लो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दिमाग चले जाता है। ऑक्सीडेशन में ज्यादा हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा न्यूरोकेमिकल्स, एक बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया तो न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते, ये जो डोपामिन सेरोटोनिन है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में दिमाग गया तो न्यूरॉन्स को आएंगी सूजन, न्यूरॉन्स को सूजन आएंगी तो डोपामिन सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाए। अब फिर सवाल आता है कि भाई ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों जाता है दिमाग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ज्यादा क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि आप जब लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं, लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं, तो लगातार ओवर थिंकिंग जब करते हैं, वो कुछ कारण की वजह से हो या बिना कारण हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गई तो ब्रेन को रेस नहीं है, दिमाग को रेस नहीं है, दिमाग को रेस नहीं है तो वो जाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, दिमाग जाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में तो वो न्यूरॉन्स को आएंगे सूजन, और वो न्यूरॉन्स को सूजन आएंगी तो डोपामिन सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएंगी, और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, ऐसी तकलीफें शुरू हो जाएगी। क्या होता है कि हम जब रात को सोते हैं अच्छी नींद आती है, तो अच्छी नींद जब आती है तो जो भी दिन भर के जो थॉट्स है, दिन भर के जितने भी थॉट्स है, बहुत सारा अंदर चले गया है दिमाग में, थॉट्स है, मेमोरीज है, दिन भर का अंदर दिमाग में गया हुआ है, तो जब हम सोते हैं तो उसको अलग 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 कप्पे में डाला जाता है। जैसा समझो हम मॉल में गए, मॉल में हम गए और वहां से समझो 2,000-5,000 का मटेरियल वहां खरीद लिया और घर आए, तो घर आने के बाद में हम क्या करेंगे, गेहूं लाया होगा या आटा लाया होगा तो वो अलग डब्बे में रखेंगे, चावल लाया होगा तो इसमें अलग, शक्कर लाई होंगी तो उसमें अलग, तुअर लाएंगे तुअर दाल लाएंगे तो, बेसन लाएंगे तो अलग,
चाय पत्ती लाएंगे तो अलग, ऐसा अलग 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 कपड़े में डालेंगे जो हमने पूरा सामान मॉल में से भर के लाया। वैसा ही दिन भर में हमने जो भी काम किया, जो भी विचार किया, जो भी थिंकिंग किया, तो हम उसको अलग अलग कप्पे में डालने का काम रात में होता है दिमाग, और वो अलग अलग कप्पे में बराबर डाल के दिमाग उसको सेट कर देता है। जितने भी कुछ बिना काम का है उसको निकाल देता है। जो भी न्यूरोकेमिकल्स पैदा होते हैं, कि जो न्यूरोकेमिकल्स काम के नहीं है उसको निकालने का काम करता है। और रात को सोने के समय दिमाग एकदम सेट होता है, सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश। इसका मतलब यह है कि आपको अच्छी नींद की जरूरत है, ये सब होना है। और नींद कैसी होना चाहिए? नींद बिना थिंकिंग की होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा थिंकिंग 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 चालू है तो वो नींद आपको आएंगी तभी भी नींद फ्रेश नहीं होगी, और नींद फ्रेश नहीं हुई तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने के पूरे चांसेस है, ओवर थिंकिंग से। तो फिर ऐसा है कि नॉर्मल ब्रेन जो है वो रात को रेस्ट करता है, और जब रात को रेस्ट करता है तो जो भी फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, जो भी ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, तो फिर वो निकल जाते हैं, उसको रवाना कर देता है, और एकदम सुबह आप उठते तो फ्रेश हो जाते दिमाग। अब बीमार यदि ब्रेन है, यदि ब्रेन बीमार है तो रेस्ट नहीं करेगा, नींद नहीं आएगी, और ओवर थिंकिंग से बीमार हो सकता है। समझो आप उसको वापर रहे वापर रहे वापर रहे, बीमार वो ब्रेन को वापर रहे, ब्रेन को रेस्ट नहीं है, ओवर थिंकिंग चालू है। समझो खाली कार है और कार आप चला रहे चला रहे चला रहे चला रहे, उसको रेस्ट नहीं दे रहे कार को, तो क्या हो जाएगा? कार का जो कूलेंट है वो आवाज करने लगेगा, वो बताने लगेगा उसका काम, और कार बहुत गर्म हो जाएंगे और कार बंद पड़ जाएगी। कार को भी रेस्ट देना जरूरी है, और कार को रेस्ट दिया ने तो काम करना काम बता देंगे कार। अभी ओवर थिंकिंग से हटकर हमको हमारा दिमाग शांत रखना होगा। फिर आप पूछेंगे कि भाई ओवर थिंकिंग से शांत रखना होगा तो ओवर थिंकिंग तो है, बहुत ज्यादा सोचते तो है, उसका क्या करना है? फिर हम क्या करते हैं, लोग आते नहीं 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 हमको है ना दवाई जरूरी थी, तो हम क्या करते हैं, कोई आ गया तो उसको दवाई लिखे देंगे फटाफट फटाफट, माइंड के टॉनिक्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटी एंग्जाइटी दवाई है, और वो दवाई देके चलो भाई अच्छी नींद आ रही है, दवाई देके अच्छी नींद खिला दिया उसको, ले लिया मतलब खिला दिया अच्छी नींद, सुबह उठा तो फ्रेश लग रहा है थोड़ा सा, अच्छी नींद ले लिया तो बराबर थिंकिंग कम हो गई और दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निकल गया। मगर ये हो गया दवाई का, मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूं आज, मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल वे से कैसा हूं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग का क्या काम है। हमारा दिमाग का काम है कि भाई समस्या जो भी कुछ है उसको सुलझा, पहला काम समस्या को सुलझाओ, ये पहला काम। और दूसरा काम है कि कोई भी कमी है तो उसको पूरा करना, कुछ भी कमी है तो उसको पूरा करने का है। पहला काम है समस्या आपको आई तो उसको सुलझाओ, दूसरा काम है कि कोई भी कमी है तो उसको पूरा करने का है। इतना समझ में आया होगा मैं जो बोल रहा हूँ वो। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा यहाँ रुक रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बमबारी करूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर से जा रहा है, तो आपको कोई सवाल होंगे तो मुझे आप रोको तो मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ है किसको सवाल था, आप हाथ ऊपर करो, मैं आपको अनम्यूट करके ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। मैंने अभी तक जो बताया मैं आपको सिर्फ उसकी समरी दे रहा हूँ कि ये जो फील गुड हॉर्मोन्स है, ये फील गुड हॉर्मोन्स की मात्रा कम होती है दिमाग में क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग से होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आता है ब्रेन को सूजन या ब्रेन को सुकड़ जाना, और उससे फैक्ट्री काम नहीं करती और डोपामिन सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाती है, और उससे आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी घबराहट नर्वसनेस पैनिक अटैक्स आते हैं। तो ये अभी तक मैंने बताया, तो अभी दिमाग को ये ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना वहां तक हम पहुंचे। तो दिमाग के दो काम है कि जो भी समस्या आई है उसको सुलझाओ, और जो भी कमी आपको लगती है उसको पूरा करो। यहां तक हम आए। यस, ये किसका हाथ ऊपर है? मोटोरोला, मोटोरोला बोलिए। आप वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मोटोरोला। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि हाँ, सर सब जगह देखा जाता है कि हर चीज के मतलब कि सब कॉन्शियस माइंड। तो सर आप बोल रहे हो ओवर थिंकिंग, तो सर हम सर कोई जानबूझ के तो ओवर थिंकिंग करता नहीं है, ये तो सर ऑटोमेटिकली। सर इसमें चीज में कंफ्यूजन है, क्या जानबूझ के किया जाता है या ये ऑटोमेटिकली होता है? जब आप ओवर थिंकिंग बोल रहे हो तो सर फिर हमारा फिर सबकॉन्शियस, अगर हम ये बोलते हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, तो सर फिर ये क्यों कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड इज एवरीथिंग? हाँ, जानबूझ के नहीं कर रहे ओवर थिंकिंग ना। ओवर थिंकिंग आप आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, नहीं चाहते हुए भी थिंकिंग कर रहे हैं आप, है ना। ओवर थिंकिंग हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। कोई ऐसा नहीं बोलता ना कि यार मेरे को है ना भी आज ओवर थिंकिंग कर रहा है, आज तो मेरे को ओवर थिंकिंग करो, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, नहीं। है ना। वो तो नेचुरली होते रहती है ओवर थिंकिंग, तो वही तो हम देखेंगे कि उसको कैसा डील कर रहा है ना। नहीं तो सर इसमें सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हर कोई बंदा ये बोलता है सबकॉन्शियस माइंड, तो सर हमारी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है और सर इस चीज में क्या रोल है ओवर थिंकिंग में? सबकॉन्शियस माइंड ही तो ओवर थिंकिंग करता है। ऑटोमेटिक काम कौन करता है? ऑटोमेटिक काम जो करता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो ऑटोमेटिक काम करेगा नहीं, कॉन्शियस माइंड तो सोचता है, वर्तमान में रहता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चलो 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 सोचना कंटिन्यूस, यस, है ना। तभी वो देखना है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो ओवर थिंकिंग है, यस, ये वजह से सब प्रॉब्लम आ रहा है, तभी उसको कैसे डील करना, वही तो हमारी आज बात की। तो सर यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सोचो, अभी थोड़ा रुको, आपको सब जवाब मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पर्व भंसाली इनको करता हूँ, थोड़ा सा रुको आप। मोटा रोल आपका नाम लिखा नहीं है, मैं आपको नाम से पुकार नहीं सकता। हाँ जी बोलिए, पर्व भंसाली क्या है आपको? हाँ बोलिए। नमस्ते। हाँ सर, हाँ जी ऐसा क्यों है कि जैसे आपने बताया कि ब्रेन सिकुड़ जाता है या सूज जाता है, लेकिन कुछ लोगों का सहवास हमको तुरंत हैप्पीनेस देता है या कुछ चीजें हमको तुरंत सैडनेस देती है, तो ये जो तुरंत वाला पार्ट है ये कैसे, मतलब क्या ऐसा ऐसा क्यों होता है? बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, इसका आंसर मिल जाएगा। रुको, थोड़ा सा रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा रुको, अभी सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सुनो, है ना, जस्ट सुनो, मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि हमारा दिमाग जो है उसके दो मेन काम है। पहला काम यह है कि कोई भी समस्या आ गई तो उसको सुलझाओ, और दूसरा है कि कोई भी कमी है उसको पूरा करो, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है हमको कि समस्या है उसको सुलझाने का है। अभी समस्या समझो आ गई है, और समस्या वास्तविक है, समस्या वास्तविक समस्या रियलिटी में समस्या है, तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा आज नहीं तो कल। समझो समस्या है कि भाई मेरे पास में पैसे का आज लॉस हो गया, मैं पैसा लूज किया आज, घूम गया 50,000 रुपये मेरे घूम गए, या मेरे को धंधे में लॉस आ गया, तो वास्तविक समस्या है, सचमुच पैसे का लॉस हो गया, मैंने 5 लाख का मेरे धंधे में लॉस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो समस्या सचमुच है। मगर धीरे धीरे उसका हम हल निकालेंगे, उसमें से रास्ता निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, टेम्पररी डिप्रेशन आएगा, टेम्पररी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मगर समस्या वास्तविक है, कुछ ना कुछ हल निकल के आप अच्छे हो जाएंगे। किसकी डेथ हो गई घर में, या कोई बीमार है, वास्तविक समस्या है, मगर जैसा जैसा टाइम निकल जाता है वैसे वैसे आप उसमें से धीरे 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 आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, और सॉल्यूशन से जैसे समझो फेल हो गए आप, अब फेल हो गए बुरा लगता है, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएंगी, मगर वो एक्चुअली रियलिटी में फेल है, और वो रियलिटी में जो फेलियर हो गया उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा, फेल हो गए, झगड़ा हो गया किसके साथ, तू तू मैं हो गए, चलो उसका भी धीरे धीरे सॉल्यूशन हो जाएगा, आप सॉरी बोल देंगे, माफी मांग लेंगे, जो भी करेंगे, और वहां से आपको जैसा 2-4 दिन हो जाएंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। मतलब रियली प्रॉब्लम लाइफ में है, रियली कुछ तो भी हुआ है, वास्तविक प्रॉब्लम है, तो फिर दिमाग शांत हो जाएगा, और दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगा नहीं, तनाव में जाएगा नहीं,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा नहीं, सूजन दिमाग को आएंगी नहीं, आएंगी तो टेम्पररी आएंगी और निकल जाएगी। तो ये हो गया एक, दिमाग शांत हो जाएगा। अब दूसरा है कि दिमाग शांत नहीं हो रहा है, दिमाग शांत ही नहीं हो रहा, तो दिमाग शांत कब नहीं होगा? दिमाग शांत नहीं हो रहा है क्योंकि समस्या जो है वो सुलझी नहीं है, समस्या सुलझी नहीं है, सॉल्यूशन आपको मिला नहीं है। और समस्या का सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि समस्या है ही नहीं, समस्या है नहीं, समस्या बनी हुई है, एक्चुअली समस्या ही नहीं है। और जब समस्या ही नहीं है और आप उसमें जुटे हुए हैं, सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? अब यह कैसा क्या है कि मानी हुई समस्या है, समस्या है नहीं, यह कैसा क्या है? क्योंकि मानी हुई समस्या है, एक्चुअली समस्या नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? हाँ भाई, 5 लाख का लॉस हो गया, एक्चुअली समस्या है, लॉस कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लिया, चलो हो गया, लॉस निकल गया, या जो भी किया, झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, तू मैं किसके साथ में हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया घर में या रिलेटिव्स में, तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, अब ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समस्या जो मानी हुई है, जब समस्या इमेजिनरी है, जब समस्या है नहीं, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, तो अभी ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, अभी ये प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और सॉल्यूशन नहीं है और समस्या मुझे लग रही है कि समस्या है जो वास्तविकता में नहीं है, दिमाग में समस्या है, ओवरथिंकिंग चालू। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी समस्या है कि जो नहीं है मगर मानी हुई है? एनीबडी कोई बता सकता है कि समस्या एक्चुअली है नहीं, है ना? समस्या एक्चुअली है नहीं, समस्या मानी हुई है, कौन सी हो सकती है? किशोर पारडकर बोलिए कि समस्या एक्चुअली है नहीं, मानी हुई समस्या है, है ना? जैसे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी करता हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि अगले साल अगर मार्केट गिर गया और मेरा लॉस हो जाएगा, तो मैं अगर उसके बारे में सोचता रहूं तो वो अनरियल समस्या होगी ना, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर आप मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मेरे को अगले साल लॉस हो जाएगा, अरे हुआ है क्या अभी? नहीं अभी तो हुआ ही नहीं लॉस, मगर आप सोच रहे मेरे को अगले साल लॉस हो जाएगा तो कैसा होगा, मतलब भविष्य के बारे में आप बता रहे हैं, चिंता, फेल हो जाऊंगा, मेरा बनेगा नहीं, मेरी शादी होंगी नहीं, मुझे अच्छी वाइफ मिलेंगी नहीं, वाइफ मिलेंगी तो झगड़े हो जाएंगे, डिवोर्स का ही काम पड़ेगा, मेरी उसके साथ बनेगी नहीं। चलो ये तो बाहर की समस्या है, और कौन सी समस्या हो सकती है जो है नहीं? स्वाति बोलिए, है ना, ऐसी कोई समस्या है कि जो है नहीं पर आपको लगता है कि समस्या है? किसी बात का डर सर, जैसे पानी का डर। हाँ हाँ, दूसरा बहुत आसान, मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूं, मेरा वजन कम है, है ना, मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना वो है, अरे है ना, वहां तुम्हारे पास में डिग्री है, सब है, हाँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, ऐसा कहाँ है दिखने में अच्छा नहीं हूं, मेरे में कुछ तो भी कमी है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना कि वो है, तो फिर क्या होगा? समझो मैं बदसूरत हूं, मैं इतना दिखने में अच्छा नहीं हूं, या आपने बोला कि मैं इतना दिखने में अच्छी नहीं हूं, फिर साथी आप क्या करेंगे? साथी फिर करेंगे, चलो मैं अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, फिर ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वहां से मेकअप बिकअप करेंगे, लोग बोलेंगे वाह स्वाति क्या स्मार्ट दिख रही है। मैं स्वाति को इसलिए बोल सकता हूँ, बाकी लोगों को लगेगा ऐसा कि मुझे स्वाति मेरे पहचान की है करके मैं बात ऐसी कर सकता हूँ, है ना, या तो बाहर लोग बोलेंगे ऐसा कैसा कोई लेडी को बोल रहे हैं, स्वाति हमारे घर के जैसी है, घर जैसी है, तो ये स्वाति को फिर बोलेंगे हाँ कितना अच्छा दिख रही है स्वाति, तुम आज बहुत ही स्मार्ट दिख रही है, तो स्वाति बहुत स्मार्ट दिख रही है मतलब आज दिख रही है नहीं, तुम दिख रही है स्मार्ट, है ना, तुम दिख रही है स्मार्ट आज,
तो इसका मतलब तारीफ किसकी हो रही है? तारीफ हो रही है ब्यूटी पार्लर की, कि जहां आपको अच्छा स्मार्ट बना के भेजा हुआ है वहां से। दिमाग में तो वही चालू है कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझे लोग है ना मान सम्मान देते नहीं है, मुझे है ना लोग इम्पोर्टेंस देते नहीं है, मुझे है ना ये ऐसे ही है, मेरा है ना गंदगी है, मेरे हाथ खराब है, मुझे बार बार हाथ धोने पड़ेंगे, मेरी है ना नौकरी अच्छी नहीं है, मुझे है ना पैसा कमी पड़ता है, मेरे हाथ में ना पैसा टिकता ही नहीं है। चलो चलो चलो, अब इसमें क्या हो गया? ओवर थिंकिंग, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और ये किसी ने कुछ बोल दिया या आप कंपैरिजन कर रहे किसके साथ में, है ना, किसी के साथ में आप कंपेयर कर रहे हैं, किसने कुछ बोल दिया है। चलो चलो, फिर दिमाग शांति नहीं है। उसने है ना मुझे निगलेक्ट कर लिया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको नमस्ते किया, उसने मेरे को नमस्ते किया नहीं, किशोर पारडकर ने मुझे निगलेक्ट कर दिया, मेरे को आज मिले थे वो, उन्होंने मुझे निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, किशोर पारडकर ने निगलेक्ट कर दिया, आज निगलेक्ट कर दिया, उस दिन मिले थे उस दिन भी उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, ये आजकल मेरे को निगलेक्ट ही करते हैं। अच्छा, किशोर पारडकर ही निगलेक्ट नहीं करते, मेरे को बाकी भी 2-3 लोग है ना आजकल मुझे ऐसा लग रहा है वो भी निगलेक्ट कर रहे हैं। मेरे घर वाले भी, मैं गया था तो मेरे वाइफ ने मुझे गर्म खाना करके नहीं दिया, वो भी मेरे तरफ आजकल ख्याल देते नहीं, मेरे घर वाले भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे दोस्त भी ऐसे ऐसा है। चल एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है नहीं कुछ, उन्होंने किशोर पारडकर ने मुझे देखा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने नमस्कार नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, और मैं बोल रहा हूँ नमस्ते नहीं किया, और मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और मैं इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं हूं कि लोग मुझे अभी नमस्ते भी करते नहीं है। चालू, सब ख्याली पुलाव है, चालू है, और फिर उसमें से क्या हो रहा है, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग से हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रहा है इन्फ्लेमेशन न्यूरॉन्स का, फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद, डोपामिन सेरोटोनिन बंद या कम, डिप्रेशन शुरू, एंग्जाइटी शुरू, पैनिक अटैक शुरू, गड़बड़ घबराहट। चल आपको ये ख्याल रखना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है, क्योंकि आप, हाँ, तो किसी के हाथ ऊपर थोड़ा सा मैं तुमको ये करता हूँ, आशीष पाल सिंह, आपको ये टॉपिक जो चल रहा है उसमें ही सवाल करना है, बाकी आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना, मैं आपको फिर से म्यूट करूंगा यदि आप दूसरे टॉपिक निकालेंगे। यस, आशीष पाल सिंह बोलिए। डॉक्टर साहब, मैंने दवाई खाई थी काफी टाइम, मुझे बहुत डिप्रेशन रहा था, तो अब वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि लोग अभी जो रिएक्ट करते हैं मुझे, वो इस तरीके से करते हैं जैसे कि मुझे, मतलब ये फील होता है कि ये मुझे अभी उसी कंडीशन में समझ रहे, तो क्या करना, क्या करना चाहिए इसमें? बराबर है, तो लोग रिएक्ट करते हैं, ये वास्तविकता है कि आपका इमेजिनेशन? मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं अरे है, आप तो ऐसा, हाँ, आपको लगता है? जी 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 हाँ, ये वास्तविकता है क्या? उन्होंने बोला आपको आके कि हम आपको ऐसा समझते हैं? कुछ लोग बोल भी देते हैं। नहीं नहीं, किसने बोला आपको? अभी मेरी दवाई वैसे चल रही है, बहुत थोड़ी रह गई है। नहीं नहीं, नहीं, किसने बोला आपको मुंह पे आके? मतलब कई बार बोल देते हैं लोग, जैसे कि अभी इसका इलाज चल रहा है। किसने बोला? घर वाले ही हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं। नहीं, क्या बोल रहे हो, किसने, मैं नाम बताओ ना कोई एक का, किसने ये, बोला, ये, क्या ये, 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 अरे उनका दिमाग ऐसे ही है, वो कुछ भी, क्या 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 कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा किसने बोला आपको? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। किसने बोला? एक है हमारे, एक एक परिवार में है, वो भी कह रहे थे। तो वो मुझे भी बोलते हैं कभी कभी, मेरे आजू बाजू के लोग, तो क्या मैं दिमाग को लगा लेता हूँ? किसने ऐसा बोल दिया कि तुम कुछ भी बोल देते हैं यार कभी कभी? जी जी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं पागल हूँ? ये मुझे बोल दिया है तो आपको ऐसा लगता है, एक्चुअली वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जी, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, कि आपको ये देखना है कि रियलिटी में वैसा है क्या? रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, मैं तो मेरे दिमाग के ख्याली पुलाव लगा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसा सोच रहे हैं लोग, ऐसा हो, चालू अपने दिमाग में।
तो उसमें क्या होगा, ओवरथिंकिंग होगा, ओवरथिंकिंग से होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया तो इन्फ्लेमेशन होगा, वहां से डोपामिन कम, फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास में आते हैं लोग, नहीं नहीं मेरे को बाकी काउंसिलिंग वगैरह कुछ नहीं होना, मैं बोलता हूँ काउंसिलिंग करो मेरे साथ, बातचीत करो, कहाँ ओवर थिंकिंग, नहीं नहीं हमको हमको गोली दे दो, हमको जल्दी जाना है, जल्दी गोली दे दो, फिर हम बोलते चलो ले लो गोली भाई, फिर क्या करें, फिर मैं हमको दवाई देता हूँ, गोली ले लो जिससे आपका अभी अभी तो केमिकल्स है वो, तो जो केमिकल कम है वो केमिकल बढ़ाओ, मगर हम जड़ से उसको नहीं निकाल रहे, जड़ से निकाल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, बुखार आया बुखार की गोली दिया, मगर बुखार क्यों आया भाई, टाइफाइड से आ गया, तो टाइफाइड को ट्रीट नहीं कर रहे, बुखार को ट्रीट कर, हमको ट्रीट करना है टाइफाइड को, तो वैसा ही है कि हम क्या कर रहे, दवा दवा दे के आपका जो डोपामिन सेरोटोनिन कम हो गया है उसको बढ़ा देंगे, चलो तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप दवाई कम करेंगे, जड़ तो वैसी की वैसी है, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर एंग्जाइटी आएंगी, देखो ये तो दवाई क्या जिंदगी भर लेना है, दवाई तो एक बार डॉक्टर ने लिख के दिया तो जिंदगी भर लेनी पड़ती दवाई, फिर हम बोलते जिंदगी भर मत लो, हम जो बोलते काउंसिलिंग वो करो, नहीं नहीं हमको काउंसिलिंग के लिए टाइम नहीं है, जल्दी जाना है हमको, जी डॉक्टर साहब थैंक यू, ठीक है गुड, तुम आगे बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा आपको यदि ऐसा है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मेरा चेहरा है ना, लोग बोलते हैं कि ये बीमार है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं बस सुन रहा हूं, मैं इतना लोगों इतना स्मार्ट नहीं हूं, अब समझो ऐसे दिमाग में मेरे विचार चालू है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी वो छुपाने के लिए, लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं दिखने में काला हूँ, मैं दिखने में गोरा हूँ, मैं तो देहाती हूँ, मैं देहात में रहने वाला हूँ, तो लोग मेरे को अच्छा नहीं देखते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो कवर अप करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मान लिया कि मैं खराब हूँ, अभी लोगों को नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मुझे अभी बहुत ज्यादा एफर्ट डाल डाल के लोगों को बताना है कि मैं अच्छा हूं, उससे फिर बहुत ताकत लगती है, दिमाग को ताकत लगती है, ओवर थिंकिंग होता है उससे और खराब हो, किसको लगता है कि पास मेरा बहुत खराब था, वो उसने ना ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किशोर पारड़कर ने वो मेरे से ऐसा उन्होंने व्यवहार किया है क्यों, उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया था तो मैंने उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने उनको ये बोला नहीं, मगर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों मेरे से, ऐसा व्यवहार, वो तो हरदम में ऐसा व्यवहार करते रहते हैं, ठीक है मैं तो अभी बताऊंगा उनको क्या है, तो चालू पास के बारे में तो अभी क्या है, ठीक नहीं है, लोग मेरे को ना सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग मुझे ऐसे ही बोलते रहते, या फिर फ्यूचर के बारे में मुझे नुकसान होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं कोई भी धंधा चालू करूंगा तो उसमें यश नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, तो फ्यूचर के बारे में, फिर क्या है मैं ओवर थिंकिंग करूंगा कि भाई ये जो कमी है उसको पूरा कैसे करना, फिर किशोर पारड़कर को बोलना क्या, क्या बोलूं उनको मैं कि वो अच्छा लगेगा उनको, क्या बोलूं मैं कि उनको मैं गलत ठहराऊं, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, चलो मैंने वर्तमान को खराब बोला उसके लिए ओवर थिंकिंग, मैंने फ्यूचर के बारे में खराब सोचा उसके लिए ओवर थिंकिंग, सब इमेजिनरी, यस दिलीप कुमार राम आपको हाथ ऊपर है बोलिए, सर नमस्कार, सर नमस्ते सर, मुझे 2-3 साल पहले डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुआ था, एंग्जायटी का सर, ठीक है, तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, इलाज कराया तो मतलब काफी मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी नेगेटिव थॉट हमेशा आते रहता है सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस अभी बता रहा हूँ उसके तरफ भी आ रहा हूँ, है ना, कि नेगेटिव थॉट के लिए क्या करना है, तो ये क्या है कि आपको जिनको जो लोग नए आए हैं ना उनको मुझे बताना है कि स्ट्रेस फ्री इंडिया तनाव मुक्त भारत अभियान हम चलाते हैं, हर गुरुवार को चलाते हैं, हर गुरुवार को 9:30 to 10:30 हम कॉल लेते हैं या इस तरह का जूम मीटिंग लेते हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक में लेता हूँ जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा,
आपको एंग्जाइटी चिंता कम हो जाएंगी। हम कुछ लोगों को बुलाते हैं और बाहर से कि जो लोग आके उनके विषयों में उनके विषय के बारे में भी जानकारी दे, ऐसे भी हमने किया हुआ है। तो अलग अलग आते हैं, अलग अलग लोग शेयर करते हैं। तो मैंने ये लिंक डाली हुई है चैट बॉक्स में, एक वेलनेस थ्रेडी ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं कि हमारा वेलनेस कैसा मेंटेन करें। एक स्ट्रेस फ्री की ग्रुप है, रविवार को हम सेक्स के बारे में वेबिनार लेते फ्री में, सेक्स विषय के बारे में रविवार को 8 से 9, तो उसकी भी लिंक दी हुई है मैंने, वो भी लिंक ले लो आप, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसको उसके बारे में सुनना है। जैसे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उसमें आप आएंगे तो डेफिनेटली आप तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेंगी। हमारा विजन है कि ये दुनिया के सभी लोगों को मानसिक शारीरिक जीवन में तंदुरुस्त सक्षम मजबूत और शक्तिशाली बना, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता होगी, जीवन में खुशहाली आएगी, लोग शांतिपूर्ण तथा नशा मुक्त जीवन जिएंगे, हर परिवार में सुसंवाद होगा और एक नए विश्व का निर्माण होगा। तो हर गुरुवार को आप ज्वाइन हो जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के लिए ये जो चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ व्हाट्सएप की लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। कोई ना कोई ग्रुप में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो नए हैं जिनको मालूम नहीं, उनको जानकारी के लिए कि हमारा हॉस्पिटल है मानसिक रुग्णालय मेंटल हॉस्पिटल, जहाँ हम मेंटल पेशेंट्स को रिलेटिव्स के साथ में भर्ती करते हैं। और दूसरा हमारा हॉस्पिटल है कि जहाँ हम मेंटल पेशेंट को रिलेटिव्स के अलावा मतलब अकेले भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और वैसे ही शराब मुक्ति, शराब की लत उसका इलाज होता है, मंदबुद्धि के लोग है, डेमेंशिया के लोग है, उनको भी भर्ती करते हैं। तो ये सब जानकारी पाने के लिए मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, जिसको भी इसके बारे में किसको पूछना है तो ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे सभी प्रकल्प के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अपर्णा, यस अपर्णा बोलिए, क्या है आपका हाथ बहुत समय से ऊपर है? हाँ पूछो, लाइन चल रही है। नमस्ते। नमस्ते बोलिए। मैं जैन बोल रहा हूँ नासिक से। हाँ जी बोलिए। मुझे 10 साल से IBS का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। और जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे लगता है कि खाने का पचन नहीं होगा, और रियली पचन नहीं होता। सब डॉक्टर्स के एलोपैथी किया, आयुर्वेदा किया, होम्योपैथी किया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ता ही चला गया। लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई, आपने जो मेडिसिन मुझे दिया था, ये जो आप अभी दे रहे, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा, ऑलमोस्ट डबल फर्क पड़ा। 6 महीने मैंने गोली ली थी, लेकिन उसके बाद वापस प्रॉब्लम चालू हो गया, और ये 15 दिन से वापस मैं गोली ले रहा हूँ और फिलहाल अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे पूछना ये है कि कितना, मुझे व्हाट इज द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर टेकिंग द मेडिसिन? तो भी उसके बारे में मैं अलग बात करूंगा आपसे, नंबर दिया हूँ, अभी अपना जो टॉपिक है ना उसके बारे में बात करेंगे। ओके है ना, अभी इतना ही बोल रहा हूँ मैं सभी को जानकारी के लिए कि जो अभी जैन साहब जो बता रहे हैं वो ये है कि पेट विकार के बारे में बता रहे हो, तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप पेट विकार का मानसिक कनेक्शन, ये यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब की चैनल की लिंक में डाल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे डालेंगे ना पेट विकार का मानसिक कनेक्शन तो आपको समझ में आएगा कि पेट विकार मानसिक कनेक्शन क्या है पेट विकार का, और मानसिक बीमारी से पेट विकार क्यों होता है। क्योंकि हमारे पास में इतने सारे लोग आते हैं रोज, अभी मेरे पास में 2 पेशेंट्स, एक उत्तराखंड का भर्ती है और एक आदिलाबाद का है, कि जो पेट विकार के लिए आए हुए हमारे यहाँ स्पेशल, हमारे पास में इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, और हम काउंसलिंग करते हैं और उनका पेट विकार का प्रॉब्लम ठीक करते हैं। तो मैं भी उसमें जाऊँगा नहीं, जैसे आपके जानकारी के लिए मैं भी नंबर दिया हूँ, तो जैन साहब को रिक्वेस्ट है कि वो नंबर पर कॉल करो ताकि हम आज का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फिर अभी आपके मन में सवाल आएगा, मैंने आपको बोला तो सही कि भाई ओवरथिंकिंग और इमेजिनरी थिंकिंग, काल्पनिक थिंकिंग, काल्पनिक भय, काल्पनिक विचार, ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, प्रेजेंट के विचार है, फ्यूचर के बारे में विचार है, प्रेजेंट के विचार तो बहुत कम रहते, फ्यूचर के रहते, पास के रहते, और उसके बारे में ओवरथिंकिंग चालू है, तभी करना क्या? तो करना यह है कि आपको मालूम है कि यदि आपने भगवत गीता के बारे में सुना होगा तो वही हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में करते हैं, CBT, और हिप्नो काउंसलिंग जो मैं करता हूँ उसमें करते हैं। भगवत गीता में क्या बोला है? भगवत गीता में ये बोला है कि जो भी हुआ
जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार कौन से है, पास के बारे में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनका नहीं तम का नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, तो उसको अच्छा करने की जरूरत नहीं है, कि जो हुआ वो अच्छा है उसको क्या अच्छा करना है, उसको कुछ अच्छा नहीं करना है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको भी बदलने की जरूरत है नहीं, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होने वाला है, तो उसको भी कोई चिंता करने की बात नहीं कि उसका मैं क्या करूं कैसा करूं, कुछ नहीं है, जो भी होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होना है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हम ऐसा बोलते हैं जो भी होता है वो अच्छे के लिए, जो भी हो गया वो अच्छे के लिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए, जो होगा वो अच्छे के लिए है, तो फिर क्या होगा, फिर हमको बदलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम बदलने की जब कोशिश करते हैं कि मेरे को पास बदलने का, पास के बारे में, पास के बारे में, फ्यूचर के बारे में चिंता, एक सर का वो चालू 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 ओवर थिंकिंग, बदलने का ही नहीं, क्योंकि हम हरदम ये बोलते हैं, मैं हरदम ये बोलता हूं कि चेंज, यदि आप बदलने की कोशिश करेंगे, चेंज कॉजेस परसिस्टेंस, मतलब आप जितने बदलने की कोशिश करेंगे, मेरा पास बदलने का है, पास बदलने का है, पास बदलने का है, पास के बारे में विचार नहीं आना चाहिए और विचार आएंगे, फ्यूचर के बारे में फेल हो जाऊंगा, लॉस हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करूंगा वो करूंगा, बदलना है ये नहीं होना चाहिए और विचार आएंगे, चेंज कॉजेस परसिस्टेंस, नो चेंज कॉजेस डिसअपीयरेंस, नो चेंज कॉजेस डिसअपीयरेंस, कुछ बदलने का नहीं है, मुझे कुछ भी बदलने का नहीं है, ना पास बदलने का है, ना प्रेजेंट बदलने का है, ना फ्यूचर बदलने का है, मतलब जो भी है उसका स्वीकार करना है, एक्सेप्टिंग द वे इट इज एंड द वे इट इज नॉट, हर बार जो विचार आ रहा है अपने आप को पूछना है क्या ये वास्तविक है, क्या ये सच्चाई है कि मेरी कल्पना है, और सच्चाई है तो उसका क्या प्रूफ है, जैसा अभी किसी भाई साहब ने बोला कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं, क्या सच्चाई है, हाँ सच्चाई है, क्या प्रूफ है, कुछ प्रूफ ही नहीं है, मेरे को फील हो रहा है कि लोग मेरे बारे में कुछ चर्चा करते हैं, अरे क्या फील, कहाँ फील हो रहा है बताओ, कहाँ फील हो रहा है, नहीं मुझे है ना ऐसा फील हो रहा है कि लोग मुझे भाव देते नहीं है, इंसल्ट करते रहते, अरे कहाँ फील हो रहा है, कहाँ इंसल्ट, कुछ भी नहीं है, तो हर बार अपने आप को पूछना है कि जो मुझे विचार आ रहे क्या वास्तविक है कि इमेजिनरी है, सच्ची है कि मेरे ख्याल पुलाव है, और सच्ची है ऐसा मुझे लगता है तो उसको क्या प्रूफ है, पूछो क्या प्रूफ है भाई, कुछ प्रूफ तो है नहीं, फिर क्या है, तो ये आपको करना है नंबर एक, नंबर दो खुद का स्वीकार करना है कि जो भी कंडीशन है जैसा भी है वो ठीक है, मैं उसका स्वीकार करता हूं, मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, जो भी कंडीशन मेरी है, जैसा भी चल रहा है उसका मैं स्वीकार करता हूं। कोई पूछ रहे भुवन जी की मेरे से कब बात कर सकते हैं, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो, आपको टाइम मिल जाएगा मेरा, तो आपको क्या करना है, चूज करना है, चूज क्या चूज करना है, कि जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, मेरा खुद का मैं स्वीकार करता हूं, परिस्थिति का स्वीकार करता हूं, पास्ट का स्वीकार करता हूं, फ्यूचर जो आने वाला है वो होगा उसका भी स्वीकार करूंगा, जो अभी चल रहा है उसका भी स्वीकार करूंगा, जो लोग हैं उनका भी स्वीकार कर रहा हूं, मुझे कुछ भी बदलने का नहीं है, जो है वो बराबर है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, कुछ भी मुझे बदलने का नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे दिमाग शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए, दिमाग शांत रहेगा, ओवरथिंकिंग कम हो जाएंगी, और जब ओवरथिंकिंग कम हो जाएंगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो नहीं बढ़ेगा दिमाग में, दिमाग शांत रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी, तो हमारे जो डोपामिन सेरोटोनिन वाले जो न्यूरॉन्स है वो भी अच्छा काम करेंगे, वो फैक्ट्री
हमारे अच्छी काम करें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे स्टेटमेंट्स बदलने पड़ेंगे, जो हमारे बातचीत अपने आप से जो चल रही है वो मेरी बातचीत, मैं जो मेरे से बातचीत करता हूँ वो मेरी बातचीत जो है मेरे से वो ठीक करनी होगी। मैं कहता हूँ मुझे अकल नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे को समझता नहीं है, ये मेरी बातचीत बदल के नहीं, मैं इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग शांत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा आत्मविश्वास अच्छा है, मैं कोई भी समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट्स अपने आप को देने होंगे, ये अफर्मेशन देने होंगे। मेरे अफर्मेशन के वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो मेरे अफर्मेशन के वीडियो आपको मिलेंगे। वो अफर्मेशन मतलब स्वयं सूचना, वो आप देते हैं अपने आप को, रोज सुबह देते हैं, उठने के बाद तुरंत, शाम को सोने के समय, रात को सोने के समय अपने आप को अफर्मेशन देते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपको देंगे तो डेफिनेटली आपका ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए। तो ये है थिंकिंग के बारे में नेचुरल। फिर और कौन सी बात हम करते हैं तो उससे हमारे हॉर्मोन्स जो है फील गुड हॉर्मोन्स वो बढ़ेंगे। तो नंबर एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते तो फील गुड हॉर्मोन्स बढ़ जाते। नंबर एक अच्छी बातें बताता हूँ, बुरी बातें बताता नहीं। बुरी बातें कौन सी है, शराब लेते तो फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं, इसलिए लोग शराब पीते हैं। तो मैं नहीं बोलूंगा शराब पियो और वो आपके हार्मोन बढ़ाओ, ठीक है ना, तो शराब वो रास्ता नहीं है। सिगरेट पीते हैं तो फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं, तो वो पीने का नहीं है क्योंकि उसकी लत लग जाती है। मगर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करते तो आपके हार्मोन्स बढ़ेंगे। आप बच्चों के साथ में रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ अच्छे रहें, फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं। आप नेचर के साथ में जाते हो, नेचर के साथ में सनलाइट में जा रहे हैं, नेचर के साथ में जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी हॉबी है, आप हॉबी डेवलप करते हो और उसमें अपना कुछ टाइम देते हो तो आपको अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व का वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आप लाना चाहते हो, मेकिंग ए डिफरेंस। यदि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो और आप यदि परिवर्तन लाते हो, लोगों को सपोर्ट करते हो, लोगों को टाइम देते हो, लोगों के ऊपर प्यार करते हो, लोगों को कुछ हेल्प करते हैं, तो आपके फील गुड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मेरे यहाँ जो डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, उनको एंग्जाइटी के पेशेंट आते हैं, उनको बोलता हूँ कि आपके घर को ताला लगाओ, वो ताला जो है उसकी चाबी दूर फेंक दो और बाहर जाओ और वो लोगों के लिए काम करो कि जो अंडर प्रिविलेज है, जिनको दो टाइम खाने की रोटी मिलती नहीं है, जो गरीब है, जो तकलीफ में है, उनको जाके उनके लिए काम करो। आपका डिप्रेशन निकल जाएगा, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन करो। हॉबी मैंने बताया, एक्सरसाइज है, बच्चों के साथ में है, लाफ टूगेदर। ऐसा बोला जाता है कि लाफ्टर इज ए वेरी गुड मेडिसिन, खुश रहो लाफ्टर, वो करो। हॉबी डेवलप करो। मेडिटेशन, मेडिटेशन आप सुबह शाम करते हैं तो उसमें ये फील गुड हॉर्मोन्स बढ़ते हैं। स्वयं सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस, उसमें बढ़ते हैं फील गुड हॉर्मोन्स। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अब गलत तरीके कौन से फील गुड हॉर्मोन बढ़ाने के, लोग कौन से अपनाते हैं, लोग शॉपिंग को जाएंगे, बहुत सारा माल खरीद के लाएंगे, उनको अच्छा लगता है, हाँ हार्मोन बढ़ते टेम्पररी। लोग बहुत खाना खाएंगे, उससे फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं ना, जंक फूड खाते हैं तो अच्छा लगता है, वजन बढ़ जाएगा। मगर तो हमको वो नहीं जाना है, हमको ये करना है कि हमारी थिंकिंग, मैंने पहले बताया, और थिंकिंग के साथ में मैंने बताया बहुत सारी बातें, नेचर के साथ में रहना, एक्सरसाइज करना, हॉबी डेवलप करना, लाफ टूगेदर, मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, एंड सबसे ज्यादा महत्व का कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन जैसी बेस्ट दवाई जो है वो दुनिया में नहीं है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, लोगों के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए मेकिंग अ डिफरेंस करना, बहुत बड़ी दवाई है। वो यदि आप करते हैं तो आपको डोपामिन सेरोटोनिन का फवारा उड़ेगा, अंदर फवारे में तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, डिप्रेशन निकल जाएंगे। बच्चों के साथ में आप खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ में खेलते तो क्योंकि भाई प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ में आप रहते तो अच्छा लगता है। उसमें ऑक्सीटोसिन डेवलप होता है, ऑक्सीटोसिन, वो भी फील गुड हार्मोन है।
एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स का निर्माण ज्यादा होता है, तो वो फ्लू हार्मोन तैयार करते हैं। तो ऐसे अलग 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 हार्मोन्स एक चार है जो न्यूरोकेमिकल्स है और जो आप बढ़ा सकते हैं और आप नेचुरल आपका उपाय कर सकते हैं। मेरे पास में अभी 9 मिनट है, इसके सवाल होंगे तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। किसी को सवाल करना है, किसी को पूछना है तो डेफिनेटली मैं आपको जवाब दूंगा। यस भावराव भोसले, यस पूछिए, आपको कुछ पूछना है? नमस्कार सर। नमस्ते सर। कभी कभी हम लोग चेयरफुल मूड में रहते हैं, बट सर somebody comes and वो क्या करता है, हमें डिस्टर्ब कर देता है। हमारे माइंड में कुछ भी ऐसा बोलते, तूने ऐसा बोला है वैसा बोला, जबकि हमारी कोई गलती नहीं रहती है। बट वो इतना कुछ बम्बार्डिंग करके जाता है कि हमारे माइंड में वो बातें उसकी स्टक हो जाती है। देन वी स्टार्ट थिंकिंग सर। तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सर हम? हाँ, तो इसके लिए हर गुरुवार को इसमें आना, ये प्रोग्राम नंबर एक। ओके ओके सर। है ना, ये जो है ना, ये दिमाग को वॉश करने का, व्हाइट वॉश देने का कार्यक्रम है हर गुरुवार। राइट राइट सर। और नंबर दो, आपके आजू बाजू के जो लोग है वो आजू बाजू के लोग चुनो। ऐसे निगेटिव जो लोग है, जो होलसेल में निगेटिविटी आपके पास में फैलाते हैं, उनको दूर करो। है ना, उनको दूर करो जो होलसेल में निगेटिव कार्यक्रम चलाते हैं। बोला निगेटिव कार्यक्रम कोई चला रहा है, कोई निगेटिव बात कर रहा है, बोला ठहर यहाँ बैठ, मैं आता हूँ, जरा काम है मेरे, निकल जाओ वहां से। है ना? यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, बीडी, बीडी किसका नाम है? बीडी अनम्यूट करो, अनम्यूट बीडी। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका वीडियो चालू करो ना। सर मैं सर आपके सेशन में 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही थिंकिंग में तो फायदा हुआ है, पर समटाइम मुझे ऐसे अकेले रहने में ही प्रॉब्लम होता है। कभी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कारण मेरे आंखों से ही आंसू आने लग जाते हैं, मतलब वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं होता है। जैसे मैं अकेले हो जाती हूँ तो तुरंत ऐसा मुझे होता है, तो इसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ? जैसे कभी कभी तो मैं किसी डेंटिस्ट के पास गई और उसने एक रूम में अगर वो ट्रीटमेंट करा तो भी मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं विदाउट एनी रीजन, मतलब मुझे डर सा लगने लगता है, एक रूम बंद हो, खिड़कियां अगर खुली नहीं है, तो मैं उसका टाइम मतलब कैसे ये चीज को कंट्रोल करूँ कि किसी और को पता ना चले। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज को, मुझे कोई उससे बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत साल से हो रहा है तो हो रहा है, एक आधी चीज हमें हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसे मैं कंट्रोल कैसे करूँ कि बाहर मतलब थोड़ा शो ना हो जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे हमने कुछ बोला नहीं, आप रो क्यों रहे हो? ठीक है, तभी आपको क्या करना है इसमें, आपको ये देखना है कि भाई शुरुआत का क्या हुआ, कौन सा शुरुआती थॉट आया, उसमें आपको जाना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत हुआ है, कौन सा थॉट आ गया, क्योंकि वो थॉट के ऊपर थॉट के ऊपर थॉट, हमारे थॉट जो है वो 40,000 से 50,000 थॉट्स रोज आते हैं हमारे दिमाग। एक मिनट में मुझे बोलना है तो मैं 200 से 300 शब्द बोल सकता हूं, और हमारा दिमाग एक मिनट में 600 से 800 शब्द अपने दिमाग में बोलता है, इतना फास्ट चलता है अपना दिमाग। तो कभी कभी हम प्रेजेंट ही रहते नहीं है, तो ये थॉट शुरुआत कहाँ हुआ, ये सब आंखों में आंसू आ रहे हैं, एकदम सेंसिटिव हो गई, रोना आ गया, शुरुआत कहाँ हुई, क्या हुआ, वो आपको सोचना पड़ेगा। और वो जो शुरुआती थॉट है वहां वही है कि क्या ये रियल है कि काल्पनिक है। रियल तो नहीं है, काल्पनिक है, तो ना ठीक है, तो काल्पनिक है, और फिर जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके उसको बंद कर। गुड, ठीक है। भुवन, भुवन को बोलता था, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। भुवन नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते सर। ये मैं ना 2015 से डिप्रेशन की दवाई यूज कर रहा हूँ, तो इसको बंद करना है मैंने, तो कैसे कर सकते सर? बंद करना है कि मेरा को बंद करना है होती है। मैं बताया, एक तो दवाई जो बंद करना है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आसान तरीका क्या होता है कि डॉक्टर के पास में गए तो आसान तरीका है, पेशेंट के लिए डॉक्टर के लिए दवाई लिख दो और आपके जो हार्मोन्स कम है उसको ठीक करो, ये आसान तरीका है।
अभी आपको दवाई बंद करने तो उसकी अभी आदत लग जाती है, तो अभी धीरे 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 आपको दवाई कम करनी पड़ेगी। और फिर ये जो सोच विचार है जो अभी मैंने बोला उसके ऊपर अभी विचार करो कि भाई सचमुच प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकलेगा। काल्पनिक है और फालतू के विचार चालू है चालू है चालू है चालू है जो एक्चुअली सच है नहीं, तो उसके बारे में सोचना है कि नहीं भाई जो है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा अभी तक जो मैंने बोला तो उसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना। गुड, यस स्वाति पाटिल, स्वाति पाटिल बोलो। सर मेरा थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है एक्चुअली। सर कोविड पॉजिटिव हूँ मैं लास्ट वेनेसडे से सर, सो फास्ट रिकवरी के लिए मतलब क्या करूँ, होम रेमेडीज। तो इस कोविड पॉजिटिव आज का टॉपिक नहीं है, मगर कोविड का भी कुछ इतना कुछ रहा नहीं। सर हाँ कोविड का भी इतना कुछ रहा नहीं, खाना पीना अच्छा करो, कोविड से कुछ मरने वाले है नहीं आप, है ना। इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, खाना पीना अच्छा, नींद अच्छी लो, खाना पीना अच्छा रखो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छा खाओ, प्रोटीन खाओ ज्यादा, है ना। और विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन मतलब जिंक, जिंक सल्फेट, विटामिन सी, विटामिन डी थ्री ये लो तो फटाफट ठीक हो जाएगा। और सर विटामिन सी सर वो तो मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन कितने एमजी का लेना है? 500 एमजी गोली आती है, रोज एक गोली ले लो 500। ओके हाँ, उससे अच्छा एक नींबू लिया ना लेमन, तो उसमें बहुत सारा विटामिन सी मिल जाएगा गोली से भी ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू सर। यस, तो दो मिनट बचे हैं तो मैं ज्यादा तो सवाल लूंगा नहीं। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगले गुरुवार को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सबको रिक्वेस्ट है कि आप जब आपको ये लिंक मिलती है, बुधवार को भी हम लिंक भेजते हैं, गुरुवार को भी लिंक भेजते हैं, तो लिंक लोगों को भेजो, आपके आजू बाजू के इर्द गिर्द के लोग, और आप लोगों के जीवन में फर्क करो, मेक ए डिफरेंस, दैट विल मेक ए डिफरेंस, है ना। तो उनके जीवन में फर्क करो, उनके जीवन में फर्क कैसा होगा कि आप उनको ला रहे हो इसमें, उनके जीवन में फर्क होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको फील गुड हार्मोन्स आपके डेवलप होंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक्स इससे आप दूर रहेंगे, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो मेकिंग अ डिफरेंस करना है। हर गुरुवार को लोगों को बुलाओ, रविवार को हमारा जो कार्यक्रम रहता है वो सेक्स वेबिनार रहता है, तो उसमें ज्यादातर जेंट्स लोग ही आते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में उनको बताते रहते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, और ऑफलाइन आपको आना है मिलने के लिए तो अकोला में महाराष्ट्र में हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ हम लोगों को भर्ती करते हैं, रिलेटिव्स के साथ में भर्ती करते हैं, रिलेटिव्स के अलावा भर्ती करते हैं, शराब के जो उनको लत है उनके लिए भी हमारे यहाँ इलाज है, उनको अकेले भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो लक्ष्य है कि भाई हमारे देश के 135 करोड़ लोग और दुनिया के 787 करोड़ लोग, 787 करोड़ लोग, इनको स्ट्रेस फ्री करना, उनको उनको उनके जीवन में तनाव मुक्त बनाना ताकि वो अच्छा जीवन जी सकेंगे, हमारा मकसद है। उसमें आप आते जाइएगा, लोगों को शेयर करते जाओ। थैंक यू वेरी मच।